अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अहमद मुर्सीन फ्रॉम स्टाइल इनसाइडर। आज हम जा रहे हैं अपने फार्म हाउस पे, क्योंकि कल इंशाल्लाह जो है वो ईद है और मैं और इज़ा अपने जो है वो जानवर देखने जा रहे हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं कि हमने क्या कुर्बानी के लिए जानवर जो है वो पाले हुए हैं और कितने जानवर हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये इज़ा को जो है वो एक भैंस नजर आ रहा है। अच्छा, और फार्म हाउस पे आपने क्या क्या रखा हुआ है? बकरे। अच्छा, और दुबा। अच्छा, और 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 एक वो जो पापा के लिए क्या लिया आपने? केला। हाँ जी, कौन सा? ब्लैक ब्लू वाला, ब्लैक ब्लू वाला। ब्लैक ब्लू वाला पापा के लिए सबसे कोजा लेला जो है वो इतना ने पापा के लिए लिया आपने। वो गंदे काम करता है। गंदे काम करता है और आप अच्छे काम करते हैं। जानवरों की मंडी है तो सारे जो है वो जानवर जो है वो यहाँ पे होते हैं, तो वो भी आपको साथ साथ दिखाते हैं। बकरा है, रश देख सकते हैं। ये बकरा मंडी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, क्यों आगे मेन मंडी आगे है, यहाँ से उसका जो है ना वो स्टार्ट है। तो ये बस लोग अब जगह जगह जो है वो अपने जानवर बैल ले हैं, लालच होती है कि सबके जानवर बिक जाए, तो बस ये इसी चक्कर में जो है ना वो पानी के जानवर सारे बाहर सड़कों पर ले आए हैं। फाइनली कोई तकरीबन कोई 20 मिनट की ट्रैफिक जैम के बाद हम जो है वो अब मंडी के नज़दीक से गुजर रहे हैं और अल्लाह करे आप मज़ीद हम ना फंसें, क्योंकि बहुत रश है। आप देख सकते हैं साइडों पे, ये देखिए जी, यहाँ पे बिल्कुल ही जो है ना वो जगह जैम पैक्ड हुई पड़ी है। अभी जो है वो छोटा भाई साले भी अपने दो बकरे उसके रह गए थे, वो भी अपने बकरे लेने इधर ही आया हुआ है। और शायद इतना रश उम्मीद तो नहीं वैसे, लेकिन शायद उससे भी मुलाकात हो जाए यहाँ पे। देखिए अगर तो उसने अपने जानवर ले लिए हुए तो फिर तो बाहर ही होगा, नहीं तो फिर अंदर अभी जो है वो जानवर सर्च कर रहा होगा। अब ये देखिए जरा, माशाल्लाह कितनी बड़ी मंडी है और कितना ज़्यादा जानवर और कितने ज़्यादा लोग खड़े हैं। और गर्मी से जो है ना वो लोगों को परेशानी भी हो रही है। और ये जगह जगह जो है ना वो पुलिस भी खड़ी है, लेकिन फिर भी जो है ना वो चीज़ें कंट्रोल से बाहर हैं। रोड्स पे वो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि रोड खुलवाएं, लेकिन जो है वो कुछ वैसे यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ रहा है। लोग तो सड़कों पे जो है वो बेध्यान होके जा रहे हैं। मेन जीटी रोड है और ये लोगों की जो है ना वो हालात हैं, उसको कोई बॉदर ही नहीं कर रहा वैसे। ये अब हम अपनी फार्म हाउस वाली जगह पे पहुंच चुके हैं और ये आपको सामने जो है वो इज़ा आपको इशारे से बता रहा है कि मेरा फार्म हाउस आ गया है। तो ये हम बिल्कुल फार्म हाउस के सामने हैं, ये अब हम एंटर होने लगे हैं और ये है हमारा फार्म हाउस का एंट्रेंस गेट। हमने इसको ज़रा खुद ही जान के जो है ना वो ऐसा रखा हुआ है कि लगे कि अंदर कुछ भी नहीं है, तो और अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ है और कैसा बना है। ये हमारा ईद का माशाल्लाह बेड़ा है। आजो इत्ज़ा, आपने प्यार नहीं करना, आजो। हाँ इत्ज़ा करता है, इत्ज़ा को तो नहीं डर लगता। चुनिया ना काट के ऐसे प्यार। इस ने भी प्यार किया है। ऊपर बैठा दें आपको? नहीं, मैं डरूंगा। डरोगे? अच्छा, आप कितना सच बोलते हो।
लो, इसके ऊपर उठाऊं काओ के ऊपर बैठना। मुझे भूख लगी है। भूख लगी? ऊपर बैठ जो, कुछ नहीं कहता। उठा दूं बस? नहीं। क्यों? डर लगेगा। डर लगेगा? ओहो चलो, ओए उछल मार। उछल मार। बड़े बकरे इसका खाना नहीं है। ओहो चलो मां को खाना लाइए। देखो आ गए, ये इर्ज़ा के दोस्त है सारे। ये देखें जी, इर्ज़ा से कैसे प्यार कराते हैं। मुझे नहीं खा रहा। नहीं नहीं, आपको प्यार कराने आया ना, प्यार करो। ये देखो सीन कितने बड़े बड़े हैं मेरे। हाँ माशाल्लाह, कितने बड़े। ये हमने जो है वो दो माह पहले ले लिए थे, इसलिए इर्ज़ा से जो है ना वो मनीषा ये इर्ज़ा के साथ खेलते हैं, और इर्ज़ा भी इनके साथ खेलता है क्योंकि इर्ज़ा डेली आता है अपने दादा बू के साथ। तो ये सारे इसके दोस्त हैं। इसके साथ कैसे खेलते हैं, आपके दोस्त हैं ना सारे। एक हमारा इसका बड़ा, एक हमारा बकरा ये है। ये भी क्या रहा है? इसकी छोटी है। पालो गए, पालते हुए माशाल्लाह। ये अभी तक इर्ज़ा का दोस्त नहीं बना। पड़ा उठ पड़ा उठ पड़ा। चलो भागने लगा। एक एक मार कर रहे हो। वो खुल गया। ओहो इसको बुलाओ। ये अभी हमने नया लिया है, इसलिए इसके साथ इसकी जो है ना वो इतनी दोस्ती नहीं है। ये नहीं अभी प्यार कराता वैसे। नहीं पा रहा। नहीं करा रहा। इर्ज़ा के बाबा का है और मुझे वैसे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन इतना को जो है ना वो बहुत पसंद है। मेरा पैर फेर दिया उसने। और एक ये इर्ज़ा के चाचू तलाल का दुम्बा है, इसको खुद खाने का शौक है, इसलिए ये देखें घूम फिर रहा है और सब्जियां हमारी तबाह कर रहा है। तो दुम्बे इधर आओ, सब्जी ना खराब करो। दुम्बे को बुलाओ इधर आओ। दुम्बे इधर आओ। दुम्बे सब्जी खराब कर रहा है। वो देखो वो कह रहा है मुझे भी छोड़ दो, मैंने भी जाना है। दुम्बे को सब्जी खा रहा है। ले जी, ये भी इर्ज़ा का एक बकरा ये है, ये रह गया था। इसको सर दर्द हो रही है, जो इसको कपड़ा बांधा है, मारेगा फिर अब वो। आप उसको सींग खींचोगे ना उसे टक्कर मारे। सींग से नहीं करते ऐसे प्यार को। एक दो तीन, और इन दोनों ने दो दो बच्चे दिए थे, लेकिन एक एक इनके दोनों के बच्चे तीन मर गए हैं, बस एक ये बकरी बची है। तो इंशाल्लाह अगले साल अल्लाह और देगा। बकरा अभी फिलहाल एक बकरा माशाल्लाह हमारे घर का तैयार है, बाकी सब जो है वो ब्रीडर बकरा है। तो ये जो है वो हमारा लॉन है, ये हमारे बैठने के लिए नजरा एक जगह बनाई है, वॉकशॉप करने के लिए बड़ी खूबसूरत सा। आप देख सकते हो जरा, अगर आपने रिलैक्स करना हो तो इंशाल्लाह इधर झूले झूले भी आ जाएंगे। कुछ ये ट्रीज वगैरह ऐड किए हुए हैं, कुछ फल वाले कॉर्न है, कुछ पीछे आपके वो सारे जो है वो पौधे लगे हुए हैं, फ्रूट ट्रीज काफ़ी लगाए हैं। और ये साथ पीछे जो है वो तीन कमरे हैं मेरे पीछे। तो इसी के साथ जो है हम अपना आज का ब्लॉग जो है यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह कल ईद के साथ मिलेंगे। आज आप सबको मेरी तरफ से चांदा मुबारक। तो अपना ख्याल रखें, और जो है वो कुर्बानी कि जानवर जब आप ज़िबा करें तो उसमें जो है वो गरीबों को मस्किनों को लाजमी याद रखें, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त है वो तकसीम करें। इससे ज़्यादा चाहूँगा चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।